मंगलवार को हुए हाथरस सत्संग कांड पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक फुल एक्शन मोड में है। पुलिस प्रशासन भी हर एक एंगल से मामले की तफ्तीश कर रहा है। जांच पड़ताल के बीच इस मामले में पहली एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन उस एफआईआर के कॉपी से भोले बाबा का नाम गायब है। हैरत की बात है कि इतने लोगों की लाशें बिछ गई, बावजूद इसके नारायण साकार विश्वहरि को आरोपी नहीं बनाया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में किन किन लोगों का नाम है और किसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके साथ सत्संग के आयोजनकर्ताओं पर भी ये मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126 223 और 238 के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो इस मामले में प्रशासन बाबा को दोषी नहीं मान रहा है, क्योंकि घटना के वक्त बाबा वहां मौजूद नहीं थे, वो सत्संग से निकल गए थे। दूसरी बात ये कि ऐसे आयोजनों में आयोजक की भूमिका अहम होती है, प्रवचनकर्ता की नहीं। कितने लोग आएंगे, कैसे बैठेंगे, कहां खड़े रहेंगे, ये सब आयोजक ही देखते हैं, वो ही प्रशासन से संपर्क करते हैं। यही वजह है कि अभी तक बाबा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर की कॉपी सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि जिस बाबा के सत्संग में 100 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, उस पर अब तक आरोप तय क्यों नहीं किया गया, क्यों उसे आरोपी नहीं बनाया गया, क्यों अभी तक भोले बाबा के खिलाफ एफआईआर वाली कार्रवाई नहीं की गई? इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा नहीं तो फिर कौन है? आपको क्या लगता है, बाबा नारायण साकार विश्वहरि को आरोपी माना जाए या नहीं? उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं? वो 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।